थानागंज पुलिस द्वारा इनामी अभिगण गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर के कुशल निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना हाजा के पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर रामपुर में गैंगस्टर एक्ट में 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित किए गए। अनवार हुसैन पुत्र नवी अहमद निवासी फुजेला नगर थाना सिविल लाइन रामपुर, उम्र करीब 33 वर्ष। दूसरा सलीम पुत्र महबूब निवासी शौकत अली रोड इलाही मस्जिद के सामने थाना सिविल लाइन रामपुर, उम्र करीब 32 वर्ष को बरेली गेट से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई। कई मामले हैं, मैं स्वागत बता दूं, ये अनवार सलीम है, ये गैंगस्टर के मुलजिम है, 25,000 के इनामी हैं दोनों, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये वो हैं जिनकी निशादेही पे वो मशीन बरामद हुई थी आजम खान साहब वाली, तो वहाँ से शुरुआत हुई है इनकी, तो उनके राजदार रहे, उनके तमाम कार्य जो करनी है जो नहीं करनी है सब में सटीक रहे हैं, तो इनकी गिरफ्तारी हुई, 25,000 के इनामी हैं, ये दोनों आपके सामने खड़े हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हमारे यहाँ हुई है, आप लोगों को जानकारी में होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ा उसको, जो ये 14 टायर ट्रक बरामद हुआ है हमारे, बड़ी कार्रवाई है, पूरा भरा हुआ शराब का ट्रक पंजाब से बरामद हुआ है। अभी उसमें हम लोग उसके आगे पीछे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और कहाँ उसके एंटीसीडेंट्स क्या क्या हैं कहाँ कहाँ कर चुके हैं वो सब हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा तीसरा है, तीन बच्चियाँ जो लापता थी हमारे यहाँ से, ये तीनों बरामद हो गई हैं, और तीनों में एक 21 साल के, 17 साल के, 20 साल के, इनसे बातचीत की जा रही है, बातचीत में सहयोग नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनका बताना है कि मैं रोज़गार के लिए गई थी, तो भाई हमारा ये कहना है अजमेर में कौन सा रोज़गार बढ़ रहा है, सूरत अहमदाबाद मुंबई गई होती तो मैं मानता, तो कुछ संदेह है उसमें, तो उसको हम अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि कौन इसको लिप्त है, कौन इन लड़कियों को ले जा रहा है। ये तीन चीज़ें हमारे यहाँ मेन थी जो मैंने बताया आपको। चौथा एक बात और बतानी है कि 34 सवार का जो निर्वाचन हमारे यहाँ होना है, 10 तारीख को वोट पड़ेगा, 13 को काउंटिंग होगी, उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी अपनी कर रखी है, और आज उसकी बीसी भी है नगर निकाय वाली, तो अब देखना ये है कि नगर निकाय कब होता है हमारे यहाँ, दो कब होता है, दोनों को ऊपर वाले लोग इसका ध्यान रखेंगे। हमारी पूरी तैयारी हो गई है, धीरे धीरे अब चुनाव गति पर आ रहा है, 13 तारीख से नामांकन है, और तब खुल के सीन सामने आ जाएगी, अभी हमारी पूरी तैयारी चल रही है अच्छी तरह से। अच्छा कप्तान साहब, ये जो इनामी पकड़े गए 25,000 के, इन पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं और किन मुकदमों में इन पर इनाम घोषित किया गया था? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं राज यार, वो 9 मुकदमे तो अनवार हुसैन पे हैं, और 7 मुकदमे सालिम पे हैं, 9 और 7 16 मुकदमे हैं। ये जो मुकदमे हुए थे इनके ऊपर, जो बरामदगी हुई थी मशीन की इनकी निशादेही पे, वो मेन मुकदमा था, और भी इनके पुराने मुकदमे थे, दोनों को मिला के गैंगस्टर हुआ था, और बहुत बड़ी कार्रवाई थी, वो सरकारी मशीन की बरामदगी थी, ज़मीन खोद के, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई थी, कुरान पाक की किताबें बरामद हुई थी। ये कहाँ से बरामद हुई थी? ये सब बरामद हुई थी यूनिवर्सिटी कैंपस से, आप सबको पता है, तो उसमें इनका गैंगस्टर लगाया गया, ये भागे हुए थे, सारे कर्म इन्होंने कर लिए अपने भागते भागते, उनका कोई दिक्कत नहीं है, सबका जवाब हमारी कार्रवाई से मिलेगा आपको, हम किसी की बात का जवाब क्यों दें, कौन क्या कर रहा है, कार्रवाई बोलेगी, गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार हुए, और 14-1 में इनकी संपत्तियाँ भी कुर्क होंगी, प्रोसेस है वो होगा। क्या ये अब्दुल्ला आजम के करीबी हैं? अब्दुल्ला आजम जो हैं, क्या ये उनके करीबी? तो हाँ करीबी हैं बिल्कुल, वो जो जुआ हुआ का केस हुआ था वो सब साथी बराती हैं उनके। मुझे सर बच्ची जो बताया आपने, किडनैप ग्रुप काम कर रहा है क्या रामपुर में? क्या मैंने बताया कि बच्चियाँ एक्चुअली 20-21 साल की हैं, तेज हैं, तो जैसा ब्रीफ्ड होंगी वैसा बोल रही होंगी, वो असहयोग कर रही हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमारी जो मर्जी करेंगे, अच्छे बोलते हैं ना इस तरह से, तो हम अपने तरीके से पता कर लेंगे कि क्यों, हमारा तो एक ही प्रश्न था उससे, आप ये कह रही हो कि हम अजमेर जा रहे हैं और हमें रोज़गार चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तीनों को अजमेर में कौन सा रोज़गार रखा है, तो वो अहमदाबाद सूरत मुंबई कलकत्ता गई होती, एक शंका पैदा करता है ना, तो उसको अपने तरीके से प्रूव कर ले जाएंगे ना कि आप झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो। सर ये कौन कौन सा थाना से लापता थी और कहाँ? ये अरे थोड़ा नीचे बैठा, पहले से लापता थी टाटा।
तीनों का ही जेल है, तीनों राज्यों का एक जेल है पूरा। एक 21 साल की, 17 साल की, 20 साल की, नाम बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि तीनों एक साथ गए थे। बहुत सनसनीखेज बात थी, बहुत दबाव था हमारे ऊपर कि तीन तीन बच्चे इकट्ठे गायब हो जाएंगे, तो उनका उनको ले आए ढूंढ के हम। पंजाब से आ रहा था और अभी उनसे पूछना चल रही है कि चुनाव में खपाने की बात चल रही थी। कितने रुपए की शराब हो गई करीब? शराब जो ये है, और ब्रांड कौन सा है सर? 55 लाख की शराब है, ब्रांड का पूरा नाम है मैक। तो सर इसमें मैकडोवेल, एक सेकंड सर, कैमरे में बताते रहना, सबको बता देना मुझे। मैकडोवेल है ये सर। कौन सी शराब है, कहाँ से पकड़ी है, कहाँ जा रही थी? पंजाब से आ रही थी, अंग्रेजी शराब है, मैकडोवेल होती है, इम्पीरियल है, मैकडोवेल है, वो शीशे की बॉटल में है, पूरा ट्रक है, 55 लाख की शराब है, 792 पेटी है और 21,408 बॉटल है, 7,038 लीटर है। तो क्या वहाँ सुवार में चुनाव है, वहीं तो नहीं जा रही थी? हाँ, अब कहीं भी मतलब अभी लोकल पकड़ी गई है, अभी हम ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि और भी मिल सकती है मुझे, और भी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये तो बीच में हमारी सूचना थी तो हम लोग पकड़ लिए। तो आपके लॉ इंटरनेशनल स्कूल पीजी से कक्षा 5 तक इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ICSE पैटर्न पर, वेल एजुकेटेड टीचर्स, रेगुलर को करिकुलम एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शहर के मध्य एक्टिवेट कैंपस विद ग्रीनरी, AC क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी के साथ एडमिशन ओपन, लिमिटेड सीट्स। लॉ इंटरनेशनल स्कूल, आज ही कराएं अपना एडमिशन।